इतनी भोर में आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दादा, हमने कल आश्रम में आने में देरी कर दी थी, इसीलिए आज हम देरी नहीं करना चाहते थे। क्या हम आपके साथ चल सकते हैं? अच्छा ठीक है, परंतु वहाँ किसी भी प्रकार का उत्पात नहीं मचाइएगा, क्योंकि भोर में गुरुजी को एकदम शांति चाहिए। ठीक है, हम वहाँ चुपचाप खड़े रहेंगे और किसी भी तरीके का आवाज नहीं करेंगे। क्षमा करें गुरुदेव, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। आपने इस बात के लिए क्षमा मांगी? गुरुकुल में आचार्य जी जिस किसी भी शिष्य को अपना सर्वश्रेष्ठ शिष्य घोषित करते हैं, उन्हें इस स्नान पात्र और इस वस्त्र को लेकर चलने का गौरव मिलता है। मैंने भी कई वर्षों तक अथक परिश्रम किया है, उसके बाद मुझे पुण्य कार्य करने का गौरव मिला है। आज आपके इस पात्र को उठाने से उस गुरु शिष्य की मर्यादा का उल्लंघन हुआ है। ये लीजिए। हम भी एक दिन आपकी दृष्टि में गुरुवर सर्वश्रेष्ठ शिष्य बनकर ही बताएंगे। श्वेत पद्यासनः या ब्रह्मा च शंकरा प्रभृतिभिः देवे सदा वंदिता सामा पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापः आप सबको स्वयं पर गर्व होना चाहिए। आप सब यहां एकत्रित हैं शिक्षा का अगला पड़ाव सीखने के लिए, अर्थात आप सब ने 108 बार रीति पूर्वक सूर्य नमस्कार करने का अभ्यास कर लिया है। जी गुरुवर। औचराज, जो गुरुवर के आगे हुए ना अपने आप बात करते हैं, गुरु को भी शिष्य बिल्कुल पसंद नहीं, यह बात खुद गुरु ने हमें कल बताई थी, पर आप तो यहाँ प्रस्तुत नहीं थे। चक्रपाणी, गुरुवर, हम तो बस आपके सीखा हुए नियम इन्हें बता रहे थे। और प्रताप, आपकी उत्सुकता इस बात का संदेश देती है कि आप 108 बार पूरी रीति के साथ सूर्य नमस्कार करने के लिए निपुण हो चुके हैं। गुरुवर, हमारे कहने का इतना ही अर्थ था कि हम प्रयास कर सकते हैं। प्रयास कर सकते हैं, आप कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं, आरंभ करें। किंतु आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, यदि आसन करते समय आपसे एक भी भूल हुई श्वास लेने में या शरीर के भाव भंगिमा में, तो आपको इस आश्रम में आने का प्रवेश तभी मिलेगा जब आप अगले वर्ष की प्रवेश परीक्षा में सफल होंगे। क्या कर रहे हैं दादा भाई, बोल दीजिए ना, सब सबकी नहीं आता। अगर अगले वर्ष भी आप असफल हो गए तो शक्ति सिंह भी नहीं होगा आपको बचाने के लिए। हम तैयार हैं गुरुवर। अभ्यास आरंभ करें। Thank you.
जाओ जाओ। आप सब परस्पर अभ्यास करते रहें। सूर्य नमस्कार सिखाते समय आप श्वेत पुष्प लाने गए थे। जी गुरुवर, हम गए थे। वे श्वेत पुष्प जो हम लेकर आए थे वे वहाँ के अतिरिक्त मेवाड़ में और कहीं नहीं मिलते। हम जानना चाहते हैं कि आपको सूर्य नमस्कार का अभ्यास किसने कराया। किसने सिखाया आपको सूर्य नमस्कार? सूर्य नमस्कार हमें हमारे दाजीराज ने सिखाया। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। हमने ये केवल इसीलिए किया क्योंकि इस बार आप हमसे निराश ना हो। हमारे दाजीराज ने हमें इसी चेतावनी के साथ सूर्य नमस्कार सिखाया है कि वे हमें पहली और अंतिम बार हमारी भूल सुधारने में सहायता कर रहे हैं। फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि हमने कोई अपराध किया है तो हमें दंड दे दीजिए, कठोर से कठोर दंड दे दीजिए, पर हमें आश्रम से मत निकालिए। हम आपके बारे में अत्यधिक नहीं जानते, किंतु इतना अवश्य जानते हैं कि मेवाड़नाथ यदि कुछ कहते हैं तो उसे निभाते जरूर हैं। अभ्यास करते रहिए। पंक्ति में खड़े हो जाओ, शीघ्रता दिखाएं। लज्जा आनी चाहिए आप लोगों को, यही है आपकी शक्ति, यही है आपका मनोबल। एक सौ आठ बार सूर्य नमस्कार करने के पश्चात ही अश्व संचालन, तलवारबाजी, धनुर्विद्या इत्यादि की शिक्षा दी जाएगी। जिस गति से आप लोग सीख रहे हैं उससे तो साल के अंत तक आप लोग सूर्य नमस्कार करते ही दिखाई देंगे। क्या बात अनुज? गुरुवर, श्रमिकों की मुखिया जी का कहना है कि जो कुआं हमारे आश्रम के आगे खोदा जा रहा है खुदाई में, उसमें चट्टान बीच में आई है। यदि वहां कुआं खोदना है तो कम से कम 40 श्रमिकों की आवश्यकता होगी। कितने श्रमिक हैं इनके पास? कुल 10 श्रमिक हैं। आप लोग विश्राम कर लीजिए। हमको हमारी भूल के लिए क्षमा कर दीजिए आचार्य जी, हम 10 लोग ही खोद लेते हैं फिर कुआं। आपसे कोई भूल नहीं हुई, आपने अत्यधिक श्रम किया, यही कारण है कि आपको विश्राम की आवश्यकता है। केवल आवश्यकता ही नहीं, विश्राम पर आपका अधिकार भी है। आचार्य जी, नदी में तेजी से जलस्तर घट रहा है तो फिर कौन खोदेगा यहाँ कुआं? यह सब खोदेंगे कुआं। कुछ सीखने योग्य क्षमता तो आपने दिखाई नहीं, अब आप अपना शारीरिक सामर्थ्य बढ़ाएं और इन श्रमिकों को विश्राम देके थोड़ा पुण्य कमाएं। मैं नहीं खोदना कुआं। कुछ कहा आपने कुमार? नहीं नहीं गुरुवर,
कुछ नहीं कहा भाई शक्ति ने। अब आप शीघ्रता से कुआं खोदना आरंभ करें। प्रस्थान कीजिए। हमारे पिताश्री ने हमें जितने भी शास्त्र पढ़ा है उन एक शास्त्र में ऐसे नहीं था कि कुआं खोद कर खुद सिखाया जा सकता है। और यह गुरुवर का आदेश है कि कुआं खोदो। इतने समय में हमें कितने श्लोक याद हो जाएंगे, कितने पाठ समझ में आ जाएंगे, पर नहीं, कुआं खोदो। हमने खोदने वाले एक कुआं। जब हमें पता ही है कि हम ये साधारण मजदूरी के काम से कुछ श्रेष्ठ काम कर सकते हैं, तो हम ये श्रमिकों वाला काम क्यों करें? हमें लगता है इनको कुश्ती आती ही नहीं, इसके लिए बेकार कामों में हमें उलझा रहे हैं। हम भी ये गुरुकुल आके कुआं नहीं खोदने वाले, हम भी ये काम नहीं कर रहे। गुरुजी ने हमें कुआं खोदने को कहा, पहले तो उन्होंने हमारे आंखों पर पट्टी बांधी, जिसके कारण हमें कुछ दिख भी नहीं रहा है। हमें तो लगता है कुआं खोदने की बात तो दूर, हमारे यहाँ तो किसी का सर ही कट जाएगा। हम नहीं खोदेंगे कुआं, चलिए। दादा भी क्या आप भी काम करने के लिए तैयार हैं? आज से भविष्य तक आपके लिए कोई आशीर्वाद अर्थ रखेगा तो वो होगा आपके गुरु का आशीर्वाद, क्योंकि सत्य और धर्म में बहुत शक्ति होती है और गुरु को समर्पित जो शिष्य उसे अपने आचरण में ढाल देता है उसके लिए फिर कुछ भी असंभव नहीं रहता। भाई शक्ति, अभी तक हमने गुरुवर के सामने हमारी कोई भी क्षमता सिद्ध नहीं की है, इसीलिए उनके विवेक पर संदेह करने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। हम कुआं खोदेंगे। क्यों बाबूजी राज प्रताप, हमने तो आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, पर आप तो यहाँ भीगी बिल्ली निकले। मानसिंह, आज तक हमने जो भी किया शायद उसमें हमारी परिस्थितियों ने हमारा साथ दिया होगा, इसलिए बीती सफलताओं का श्रेय ले लेकर हम खुद को शूरवीर नहीं मान सकते। आप क्या समझते बाबूजी राज, कि सबसे पहले खोदना आरंभ करके आप हमें भी विवश कर लेंगे खोदने के लिए? आप मेवाड़ के राजकुमार होंगे, अपने लिए हम पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, हम नहीं खोदेंगे कुआं। देखो यहाँ पर सब एक समान है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, इसलिए हम आप सबसे विनती करते हैं कि गुरु जी ने हमें जो कार्य करने के लिए कहा है बस हम वही करें। हम बताए बाबूजीराज अकेले कुआं के खोद रहे क्योंकि इन्हें गुरुवर का प्रिय शिष्य बनना है। बात तो आप सही कह रहे हैं चक्रपाणी, जब से हमने गुरुकुल में प्रवेश लिया है हमें बहुत दंड मिल चुके हैं और अब और दंड लेने की इच्छा नहीं है हमारी, और क्या पता गुरुवर ने जैसा कहा है वैसा करने से वे हमसे प्रसन्न होकर हमें धनुर्विद्या सिखा दे अलग से। अभी तो इंतखाबी पहली पायदान है, क्या इसे भी मार डालोगे? बख्श तो इसे। कुछ खाकसार को अहमद कहते हैं, मैं यहाँ दंगल के इंतखाबी इंतजामिया कामकाज देखता। माशाल्लाह, मैंने आज तक किसी पहलवान का इतना खूबसूरत मजबूत बदन पहले कभी नहीं देखा, पर लगता है इस बार लक्ष्मण दंगल की रौनक बढ़ाकर ही दम लोगे। तो फिर चले मेवाड़? अभी भाई अभी कुछ दिन और लगेंगे हमें मेवाड़ जाने, क्योंकि अभी हमें सारे राजपुताने से पहलवानों का इंतखाब करना बाकी है। तो फिर तब तक
हम अकेले क्यों नहीं जा सकते थे? अरे भाई, मेवाड़ जाने की इतनी जल्दी भी क्या है? कहीं कोई खास भक्त तो नहीं अपने दिल में बैठा कर रखा है? जी नहीं। अब आप सबने इतनी तारीफ की है मेवाड़ के बारे में, इसलिए हमने भाई सबर सबर का फल मीठा होता है। और भाई हमारा मेवाड़ जो है वो सही कागजात के बिना अपनी सरजमीन पे किसी को दाखला नहीं देता है। भाई इस सूरत में तो तुम्हें हमारे साथ ही दाखला मिल सकता है। ये वेड़गास को देखो, कितना गुस्सा, और जितना गुस्सा है उतना बढ़ लिया उनके शरीर में। यूरे चक्रपाणि, आपका ची 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 कर रहे, दिखाए कितना बल है हमें। विनिकास, खुद पर काबू रखो। गुरुवर, गुरुवर प्रताप, क्या लगता है आपको, ये कुदाल, ये श्रम, खुदाई, ये बहुत ही साधारण है आपके अस्तित्व के लिए? गुरुजी, हम तो बस, हम तो क्या, कुछ देर के लिए हमारा ध्यान भटक गया था। भविष्य में दिए गए कार्य से आपका ध्यान ना भटके, इसीलिए आप सूर्यास्त के बाद भी खुदाई करते रहेंगे। जी गुरु। अपने साथियों के लिए नायक बनने का प्रयास छोड़ें, सत्य का साथी। आप हमें सत्य का बोध कराएं, हम आपको दंड से मुक्त कर देंगे। गुरुवर, जो अभी अभी हमने आपसे कहा है वही सच है। एक बात तो कहनी पड़ेगी रानी सा, बाऊजी राज प्रताप हैं बड़े भाग्यशाली जो उनको आप जैसी छोटी माँ मिली। कुंवर प्रताप है ही भाग्यशाली। दिन भर के श्रम के बाद कुंवर प्रताप को आश्रम का रूखा सूखा बेस्वाद खाना ना खाना पड़े, इसके लिए इतना तो कर सकते हैं ना। इसमें थोड़ा घी और डाल दो। जी। पर महारानी साहब, वहाँ गुरुकुल में छात्रों को बाहर के भोजन की अनुमति है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए तो इतना सारा भोजन भेज रहे हैं कुंवर प्रताप के। एक तरफ कुंवर प्रताप अपनी छोटी माँ का इतने प्यार से भेजा हुआ भोजन ना तो अस्वीकार सकते हैं, और दूसरी तरफ नियमों का पालन करने वाले आचार्य राघवेंद्र जी को पिछली बार से भी कड़ा दंड देने का अवसर बड़ी सरलता से मिल जाएगा। अगर हमारा सौभाग्य हुआ तो। ठहरो, हमें याद ही नहीं रहा जीजा कि कुंवर प्रताप का खाना पहले आप चखती हैं। खोल जरा इसे, पहले जीजा चखेंगे। ये भोजन आश्रम में नहीं जाएगा। क्यों जीजा? क्योंकि प्रताप को आश्रम में आश्रम के नियमों का अनुसरण करना होगा। यदि आचार्य राघवेंद्र जी को यह पता चल गया कि कुंवर प्रताप के लिए राजमहल से विशेष भोजन आ रहा है तो उन्हें ऐसा लगेगा कि आश्रम के नियमों को ना मानकर प्रताप उनका खुला अपमान कर रहे हैं। पर जीजा, कुंवर प्रताप राजकुमार है, वहां आश्रम का बेस्वाद भोजन थोड़ी ना खाएंगे। कल ही देर से आने के लिए दंड मिल चुका है प्रताप को, और हम नहीं चाहते कि आज फिर से उन्हें कोई नया दंड मिले और फिर से वे अपने गुरु की दृष्टि में गिरे। जीजा, कुंवर प्रताप में थोड़ा हक हमारा भी तो बनता है, छोटी माँ है हम उनकी। और हम मेवाड़ की बड़ी महारानी, इस महल में वही होगा जिसकी हम अनुमति देंगे। अरे खाना क्यों नहीं खाते?
दिन भर के इतने कठोर श्रम के बाद शरीर को भोजन की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। यही कहना चाहता था मैं। क्यों इतना कठोर श्रम? आखिर हमारी गलती क्या है? ऐसे खाने की तो हम कल्पना घर पे कर ही नहीं सकते। चूर हो गया हूँ मैं थक के, और ये सब आपके कारण हो रहा है बाबूजी राज। कैसे राजकुमार है आप? इतना अपमान सहते हो। अगर आपके पिता चाहे तो इनके जैसे और 10 आचार्य खरीद सकते हैं। हाँ विनीदास, पर उन खरीदे हुए 10 गुरुओं में कोई भी आचार्य राघवेंद्र जी जैसा नहीं हो सकता है। आप सब अपना स्थान ग्रहण करें। वेणीदास। हाँ गुरुजी, मैं खा रहा हूँ ये खाना। आप सब ने कठिन परिश्रम किया है, थक गए हैं आप सब, इसी कारणवश मन में हताशा आ गई है। आज का कार्य संपन्न नहीं हुआ, इसलिए कुआं खोदने में आप सब कुंवर प्रताप का साथ देंगे। पर गुरुवर, दादा भाई प्रताप को तो आपसे दंड मिला है, इसलिए खोदने वाले हैं वे कुआं सूर्यास्त के बाद भी, पर हम क्यों खोदे अतिरिक्त समय तक? हमारे निर्णय पर प्रश्न करने के दंड में आप अतिरिक्त समय तक कुआं खोदेंगे। विनीदास, भोजन का अनादर करने के दंड में आप अतिरिक्त समय तक कुआं खोदेंगे। चक्रपाणी, आवश्यकता से अधिक बोलने के दंड में अब अधिक समय तक कुआं खोदेंगे। कुंवर प्रताप, भूल न होने पर दंड स्वीकार करने के दंड में आप अतिरिक्त समय तक कुआं खोदेंगे। अब आप आनंद पूर्वक अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं, और भोजन के पश्चात बिना किसी विलंब के आज का दिया हुआ कार्य संपन्न होना चाहिए। दंड स्वीकार करने के दंड में आप अतिरिक्त समय तक कुआं खोदेंगे। चक्रपाणि, देखिए इसे चलाने की भी एक विधि होती है, मात्र ताकत लगाने से कुछ नहीं होगा। महत्वपूर्ण यह है कि आप किस कोण से कुदाल को पकड़ रहे हैं। देखिए, जब कुदाल पीछे जा रही है तो उसे हाथ आगे लिए, समझ रहे? माना कि आप मेवाड़ के राजकुमार हैं, मगर ये मत भूलिए कि हम भी मेवाड़ के ज्ञानी पंडित के पुत्र हैं। चक्रपाणि, इससे आपको बाबूजी वैश्य प्रताप, जो सहायता मांगते नहीं उनकी सहायता करने की कोई आवश्यकता नहीं। हटिए आप सब। कुदाल उठाओ। पर गुरुवर, ये तो अभी अभी अचेत हुए खोदते खोदते। तो आप क्या परामर्श देते? लोरी गा के इन्हें सुला दिया जाए? खोदिए, हमने कहा खोदना शुरू कीजिए। इस बार आपने कैसे सही ढंग से खोद लिया? क्योंकि हमने इस बार खुदाल को सही कोण के साथ चलाई थी। अर्थात मात्र ज्ञान ठहरे हुए पानी की तरह होता है, इसे उपयोग में लाने की आवश्यकता होती है। कुंवर शक्ति, आपको देख के ऐसे प्रतीत होता है जैसे आप बेमन और विलंब वाली मनोस्थिति के साथ कार्य कर रहे हैं। यदि कुआं खोदने में विलंब हुआ तो नदी से पानी लाकर आप कुआं भरेंगे, क्योंकि बिना पानी वाला कुआं किसी के लिए उपयोगित नहीं होता। कार्य करते रहिए। हम दूसरों जैसे कोई साधारण शिष्य नहीं है, हम मेवाड़नाथ महाराणा उदय सिंह के पुत्र हैं। अब हम और सहन नहीं कर सकते।
भाई शक्ति रुकिए, हमें लगता है कि बाऊजी राज शक्ति में आपसे कहीं ज्यादा आग है। मान सिंह सोच समझ कर बोलो। हुकुम, राजपूताना के सभी राजाओं को रहने ठहरने और लक्ष्मण दंगल की प्रतियोगिता के समय सुविधा से आपस में एक दूसरे से मिलने की व्यवस्था कर दी गई है। राजपूताना के किन राजाओं ने हमारे लक्ष्मण दंगल का निमंत्रण स्वीकार किया है और उनमें से कितने हैं जो आ रहे हैं? अब तक तो बहुत कम राजाओं की तरफ से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है और बहुत कम राजाओं ने आने के लिए कहा है, परंतु अहमद खान का संदेशा मिला है कि सभी राजाएं अपने अपने क्षेत्र से लक्ष्मण दंगल में अपने पहलवान भेजें। राणा जी, अब हम सबको यही कामना करनी चाहिए कि कुश्ती वाले दिन विभिन्न पहलवानों के साथ साथ उनके सभी राजा भी अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं, जिससे कि हम राजपूत अफगानी और मुगलों के विरुद्ध एकत्रित होकर एक संगठित मोर्चा तैयार कर सके। राजीराज आप शीघ्र ही उन गुरु राघवेंद्र का सर कटवाने का आदेश सुना दीजिए। पागल हो गए हैं, किसी को कुछ समझते ही नहीं है वे। गुरु भी कुछ ठीक नहीं है, कुछ नहीं आता है उन्हें, ऐसे ही बस विचित्र विचित्र काम देते रहते हैं हमें। क्या कहा उन्होंने आपसे करने के लिए? अब आप ही बताइए दाजीराज, मेवाड़ के राजकुमार को ये सब करना शोभा देता है? हमें भी तो पता चले क्या चाहते हैं वो हमसे। कुंवर शक्ति, आपको क्या लगता है, आपके पिता मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे हैं, इसलिए आपको गुरुकुल में परिश्रम करने से छूट दे दी जाएगी, गुरुकुल के नियमों से छूट दे दी जाएगी, गुरुकुल और अपने गुरु का अपमान करने से छूट दे दी जाएगी? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपकी बहुत बड़ी भूल है कुंवर शक्ति। इसी समय चुपचाप आप वहीं चले जाइए जहां से आए हैं, अन्यथा हमें आचार्य राघवेंद्र जी से कहकर आपके रहने की व्यवस्था वहीं गुरुकुल में करवानी पड़ेगी, जहां वो खुद आपको लोगों का मान सम्मान करने का तरीका सिखाएंगे। समझ गए आप? पर दाशीरा, एक शब्द और नहीं, जाइए यहां से। सुनिए, अगर दोबारा हमारे दरबार में व्यवधान डालने का दुस्साहस किया तो उसी समय हम आपको काल कोठरी में बंद करवा देंगे। जाइए। रावत जी, अब हमें पूरा विश्वास हो गया है कि आचार्य राघवेंद्र से अच्छा गुरु तो हमारे पुत्रों के लिए कोई और हो ही नहीं सकता। कितने रहमदिल हैं हमारे मेवाड़नाथ। वाकई बड़ी अजीम शख्सियत हैं आपके राणा उदय सिंह। वैसे उनके साहबजादे के बारे में काफी कुछ सुन रखा है, उनके बारे में बताइए कुछ। जो कोई भी दूर दराज से आता है, हमने उसमें एक बात तो यकसां देखी कि उसके दिल में मेवाड़ के लिए मोहब्बत, इज्जत और दूसरी मेवाड़ के बारे में जानने की ज्यादा से ज्यादा ख्वाहिश। अब अपने ही बारे में ले लो, तुम्हें मेवाड़ के बारे में जानने की ज्यादा ख्वाहिश है ना, कोई बात नहीं, हमें भी अपने मेवाड़ नाथ के बारे में बताने में बहुत मजा आता है। हमें तो लगता है तुम्हारी और हमारी खूब गुजरेगी। जी हाँ, हमें भी कुछ ऐसे ही लग रहा है अहमद मियां। वैसे प्रताप के बारे में और क्या जानते हैं, और आवाम के दिल में प्रताप के लिए क्या क्या? मेवाड़ के लोग मेवाड़ नाथ को मेवाड़ का दिल मानते हैं, तो वहीं बाऊजी राज प्रताप को मेवाड़ का रूह। एक छोटी सी उम्र में हैरत अंगेज कितने कारनामे कर डाले, शम्स खान के खेमे में घुसकर उनके सिपाहियों को मिट्टी चटा दी, शम्स खान के साथ जंग करके अपनी जान पर खेलकर उसके किले पे मेवाड़ का परचम लहरा दिया। इसलिए तो आवाम उन्हें अपनी रूह मानती है। तब तो बड़ी आसानी से राणा उदय सिंह प्रताप को मेवाड़ के शाही तख्त पर बैठाने वाले होंगे। गलत गलत है आपकी सोच। हमारे मेवाड़ नाथ उसूल परस्त शख्स, उन्होंने प्रताप को तैयारी के लिए एक काबिल और सख्त
गुरु के हवाले कर दिया है। महल के सारे ऐशो आराम छोड़कर हमारे प्रताप एक आम तालिब इल्म की मानिंद इल्म सीख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि प्रताप आजकल अपने महलों में नहीं रह रहे। भाई इससे ज्यादा और कुछ हम नहीं बता सकते। आखिरकार आप हैं तो परदेसी, ना मालूम आपके दिलो दिमाग में कौन सा नापाक इरादा पनप रहा हो। आपको क्या लगता है आपके पिता मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे हैं इसलिए आपको गुरुकुल में परिश्रम करने से छूट दे दी जाएगी? अगर दोबारा हमारे दरबार में व्यवधान डालने का दुस्साहस किया तो उसी समय हम आपको कालकोठरी में बंद करवा देंगे। ये सब सिर्फ आपके कारण हो रहा है दादा भाई। यदि हम सबने मिलकर एक निर्णय लिया होता ना कि हम ये काम नहीं करेंगे तब तक तो इस आचार्य की बुद्धि ठिकाने पर आ चुकी होगी। पर नहीं, गुरुजी का प्रिय शिष्य बनने का भूत सवार था ना आप पर, तो जैसा गुरुजी बोलेंगे वैसा ही आप करेंगे। इन सब की उत्तरदायी आप ही हैं दादा भाई। क्या बनने आए थे हम यहाँ? शूरवीर योद्धा? और क्या बना दिया इन्होंने हमें? श्रमिक? देखिए, जैसे हम इस गड्ढे को पानी से भर देंगे तो बस हमारा काम पूर्ण हो जाएगा। अब हम इतना सब कर चुके हैं तो इसे अधूरा छोड़कर क्या फायदा? हम ये क्यों देख रहे हैं कि पात्र इतना खाली है? क्यों ना हम ये देखें ये पात्र इतना भरा हुआ है। चलिए, हमसे हो सकता है। लो इब्राहिम मियां, आपकी मंजिल बहुत करीब है। आपके दिल में जो मेवाड़ के बारे में जानने की ख्वाहिशात हैं, खासतौर से प्रताप के बारे में जानने की जो ख्वाहिशात हैं, वो यहाँ पर पूरी हो जाएंगी। अब प्रताप के इतना करीब आने के बाद हमसे भी और इंतजार नहीं। रहने आश्रम और इस आश्रम के विचित्र गुरु के बाद अगर हमें किसी पर बहुत ज्यादा निराशा आती है तो वो है आपको लेकर। हमने तो आपके बारे में बड़ी बड़ी बातें सुनी है कि हमारे बाजीराज ऐसे हैं, हमारे बाजीराज वैसे हैं, पर आप तो यहाँ एकदम ही। अब हम क्या बोले मेवाड़ के ऐसे राजकुमार को? वैसे खुद तो श्रम कर ही रहे हैं और हमारे हिस्से का भी श्रम कर रहे हैं। अब समझा कि गुरुवर का प्रिय शिष्य बनने के लिए बाजीराज प्रताप ये सब कर रहे हैं। युद्ध में भी क्या प्रजा की दृष्टि में भला बनने के लिए आप नहीं भाग गया था बाजीराज प्रताप? हो गया कार्य संपन्न। आप अपनी आंखों की पट्टी खोल सकते हैं। आप लोगों ने उत्तर नहीं दिया, कार्य संपन्न हुआ या नहीं।
गुरुवर। जी गुरुवर। हमें आप सबसे बहुत अपेक्षाएं थी, किंतु आप हमारी अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतर पाए। आप सब अच्छे परिवार से हैं, धन दौलत बल बुद्धि से संपन्न हैं, तो कार्य करने में विलंब कैसा? अभी भी कुआं उपयोग के लिए तैयार नहीं हुआ, और आप कह रहे हैं कि कार्य संपन्न कर दिया आप लोगों ने। बिना किसी आलस्य के, बिना किसी विलंब के मुंडेर का काम आप आज समाप्त करेंगे। सुना नहीं आप लोगों ने हमने क्या कहा? गुरुवर, हम सब आपसे कुछ कहना चाहते हैं। मुंडेर का काम आप आज समाप्त करेंगे। सुना नहीं आप लोगों ने हमने क्या कहा? गुरुवर, हम सब आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो आप हैं इस दल के नायक। नहीं गुरुवर, मात्र हम सब जो सोच रहे हैं वही कहना चाह रहे हैं आपसे। कहिए। गुरुवर, हम सब आपका बहुत सम्मान करते हैं। हम सच्चे मन से आपसे शिक्षा लेना चाहते हैं, और हमने आपकी बहुत प्रशंसा भी सुनी है। समय अमूल्य है, बिना व्यर्थ किए सीधा विषय पर आए। गुरुवर, हम सब पिछले 7 दिनों से यहाँ पर आ रहे हैं, और किसी ने अब तक कुछ नहीं सीखा। हमारा लक्ष्य कुछ और था यहाँ पर आने का। हमने सोचा था कि हम योद्धा बनेंगे, आप हमें शूरवीर बनाएंगे यहाँ, पर हमारे साथ अब कुछ और ही हो रहा है। यदि किसी को हमारी शिक्षा नीति पर आपत्ति है तो हम उसे आश्रम से जाने का आदेश देते हैं। नहीं नहीं गुरुवर, हमारे कहने का ये अर्थ नहीं था। बाऊजीराज, अगर गुरुवर अपने सिखाने का ढंग नहीं बदलेंगे तो हम भी अपने ये निर्णय नहीं बदलेंगे। हमने तो यहाँ से जाने का निर्णय कभी नहीं किया। पर हमने किया है। हाँ, हमने किया है। 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 ठीक है, पर हमने तो यहाँ से जाने की बात ना ही सोची थी और ना ही बोली थी। गुरुवर, हमें क्षमा कर दीजिए, ये लोग बहुत ही थक चुके हैं, इसीलिए बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। हमारा ये अपराध था, हमें आपसे प्रश्न नहीं पूछना चाहिए था। हमें क्षमा कर दीजिए गुरुवर, हमें क्षमा कर दीजिए। जो बोलना है अपने आप के लिए बोलिए दादा भाई। हाँ हाँ, आप हमारे लिए मत बोलिए बाऊजीराज। हाँ, जा रहे हैं हम सब।
खड़े हो जाओ। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करो। पर गुरुवर, हमने तो पिछले एक सप्ताह से सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया ही नहीं है। किंतु परंतु मैं समय व्यर्थ ना करें। आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं या नहीं? ठीक है गुरुवर, आप पर संदेह करने के अपराध में हमें ये दंड मिल रहा है। हमें स्वीकार है ये दंड। यदि आप में से कोई सूर्य नमस्कार करना चाहता है तो उसे अभ्यास करने की आज्ञा है। जाएं। आपको इस बात का बोध भी नहीं हुआ कि आप 108 की संख्या से अधिक सूर्य नमस्कार कर चुके हैं। ये कैसे संभव हो सकता है गुरुवर? हमने तो पिछले एक सप्ताह से सूर्य नमस्कार का अभ्यास तक नहीं किया। किसने कहा कि आपने सूर्य नमस्कार का अभ्यास नहीं किया? पिछले एक सप्ताह से आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास ही तो कर रहे हैं। मिट्टी खोदना, भारी पत्थरों को उठाना, उन्हें फेंकना, इन सब से आप अपने शारीरिक सामर्थ्य को बढ़ा रहे हैं जो सूर्य नमस्कार करने के लिए अनिवार्य है। यही कारण है कि आपने 108 की संख्या से कहीं अधिक सूर्य नमस्कार कर लिया और आपको इस बात का आभास भी नहीं हुआ। आप हमारे आश्रम में आए थे तो आप सब बिखरे हुए कंकर थे। अपनी मेहनत से, परिश्रम से आप सब एक चट्टान की तरह हो गए। मैं आपको शिक्षा के अगले पड़ाव के लिए शुभकामनाएं देते, किंतु ध्यान रहे, भविष्य का श्रम और भी कठिन और अथक होगा। गुरुवर, आज के बाद हम आपको कभी निराश नहीं होने देंगे, चाहे जो हो जाए। हाँ हाँ, चाहे जो हो जाए। अब आप सब विश्राम कर सकते हैं। बाहुजी राज प्रताप, हमें पता था कि हमारी मित्रता वर्षों तक चलेगी। हाँ बाहुजी राज, ये बात आपने गुरुवर को कहकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। और हाँ ना साहस, हम कभी जुटा ही नहीं सकते थे और इस श्रम के पीछे का रहस्य हमें कभी पता ही नहीं चलता। अरे
भाई शक्ति के लिए भी स्थान बनाएंगे। कक्ष है बहुत सारे और कुछ तो इतने सुंदर हैं कि उनकी भव्यता देखकर आप सब चकित हो जाएंगे। क्या हमें राज्य के अस्त्र शस्त्र भी देखने मिलेंगे? आप सब वहाँ जो चाहे वो देख सकते हैं, चाहे महल के कक्ष देखें या फिर अस्त्र शस्त्र। हाँ बस एक बात का ध्यान रहे कि वहाँ पर आपके हाथों कुछ टूट फूट ना जाए। अगर ऐसा हो गया तो दाजीराज हमें काल कोठरी में डाल देंगे। हम तो अब एक पल भी नहीं ठहर सकते, हमें भी तो जानना राजमहल में होता क्या है। मानसिंह आपकी समस्या का हमारे पास एक हल है। वे क्या? हम दौड़ प्रतियोगिता करें। हमें तो किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेने की हिम्मत नहीं बची। क्यों नहीं बची हिम्मत? अगर हम 108 बार सूर्य नमस्कार कर सकते हैं तो राजमहल तक भाग भी सकते हैं। प्रताप जय मेवाड़। जय मेवाड़। इब्राहिम मियां, ये हमारे मेवाड़ के शहजादे हैं, हमारे प्रताप। सलाम करो। अच्छा अहमद काका, कैसी तैयारियां चल रही है लक्ष्मण मंगल की? और पूरे राजपूताने में से कहां कहां से आ रहे हैं पहलवान, हमें भी तो बताइए कुछ। अब क्या बताएं बाऊजी राजप्रताप, इस बार सारे राजपूतानाओं के राजाओं ने अपने यहां से बेहतरीन पहलवान शिरकत के लिए भेजे। देख लीजिएगा इस बार का दंगल सारे दंगलों की फहरिस्त में अव्वल होगा। अच्छा और कहाँ कहाँ से आ रहे पहलवान? अब वैसे तो सल्तनत दिल्ली से भी पहलवान शिरकत के लिए आ रहे हैं। अभी अपने इब्राहिम मियां हैं, ये भी तो दिल्ली से शिरकत कर रहे हैं। कहाँ से लेके? अच्छा जो अभी अभी आपके साथ थे वे दिल्ली से आए कुश्ती लड़ने? और नहीं तो क्या भाऊजी राज। ठीक है चलते हैं। काका दंगल पूरा हो जाए तो इसकी कुश्तियों का हमें भी बताइएगा। हाँ हाँ इंशाल्लाह हम आपको सब बताएंगे, आप बेफिक्र रहिए सब बताएंगे आपको। हम कहाँ? अरे आपको तो हमारे साथ हमारे गरीब खाने पे चलना है ना। लेकिन हमें तो ऐसा लगा था कि हमारी मंजिल उस ओर है। जहां तक हमने सुना था अपनी बातें, उसके मुताबिक शहजादे प्रताप कल दंगल देखने आ रहे हैं ना? अरे नहीं इब्राहिम मियां, कल तो वो होंगे अपने गुरुकुल में। अरे कोई हमारे दिल से तो पूछे कि हमारा दिल क्या चाहता है। अरे हमारा दिल तो चाहता है कि वो यहाँ आए। वो क्या है ना, उनके बगैर हर जश्न अधूरा है। वो रौनक ही नहीं आ पाती जिसकी आवाम मुंतजर है। चले उनके नाने का अफसोस तो हमें भी बात होगा। कह
खीर दीजिए। नहीं नहीं मान, आपको अच्छी लगी है ना हमारी खीर, तो खाइए ना, खाने से क्या लज्जा, दीजिए। महारानी सा, कुंवर जी के मित्रों के लिए विश्राम कक्ष ठीक हो गया है। आप सब भोजन का आनंद लें, हम अभी आते हैं। बाबूजी राजप्रताप, आप अपनी रानी माँ से हम सब के लिए लक्ष्मण दंगल देखने की अनुमति क्यों नहीं लेते? अब इनकी बात तो हमारे गुरुवर भी टाल नहीं सकते। अब बाबूजीराज सोचे कितना आनंद आएगा। हमारा भी बहुत मन है दंगल देखने का, पर एक ही बात का संदेह है कि हमें अनुमति मिलेगी या नहीं। और वैसे भी हमारे दाजीराज और रानी माँ दोनों ने भी गुरुकुल के अनुशासन में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप ना करने का प्रण जो ले रखा है। लक्ष्मण दंगल छोड़ो, क्यों ना हम यही इस समय बाजीराज प्रताप और बाजीराज शक्ति के बीच पंजा लड़ाने की प्रतियोगिता रखें? वो दंगल नहीं तो यही दंगल सही। हमें तो पता है कि बाजीराज प्रताप आसानी से बाजीराज शक्ति को हरा देंगे, और हमें लगता है हम दो पल में हरा देंगे दादा भाई। हमें भाई शक्ति से मुकाबला नहीं करना। लेकिन क्यों नहीं दादा भाई, जब सब कह रहे हैं तो आइए। कोई बात नहीं, भला भाई से हारने में कैसी लाज। क्षमा कर दीजिए बाबूजी राज, हमसे वे भाला गिर गया। कैसी बातें कर रहे हो चक्रपाणि, भला इतनी छोटी छोटी बातों में आप क्षमा मांग रहे हो। चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आपका हाथ ठीक तो है? हाँ हम ठीक हैं। ओहो ये तो कुछ भी नहीं, असली मजा तो लक्ष्मण दंगल की कुश्ती देखने का है। थोड़ा सा तो प्रयास कीजिए, अब राजकुमार है मेवाड़ के, अपने मित्रों के लिए इतना भी नहीं कर सकते। ठीक है, यदि आप सब कह रहे हैं तो हम करेंगे एक बार प्रयास। राणा जी, ये नागपंचमी बड़ी भाग्यशाली है मेवाड़ के लिए। इतने बड़े स्तर पे आप लक्ष्मण दंगल का आयोजन करवा रहे हैं, सारे भारत से प्रसिद्ध पहलवान इसमें भाग लेने आ रहे हैं, राजपूताने के सारे राजपूत राजा इस आयोजन की शोभा बढ़ाने आ रहे हैं। महारानी साहब, इस दंगल के आयोजन की भव्यता और विशालता बहुत महत्वपूर्ण है। इस दंगल के पीछे जो हमारा उद्देश्य है उसे सफलता मिलनी चाहिए। हम आपके आयोजन की सफलता के लिए अवश्य प्रार्थना करेंगे। मातृभूमि के लिए की गई आपकी ये प्रार्थना राजपूताने के राजाओं को अपने निःस्वार्थों को भूलकर मातृभूमि के हित में सोचने की प्रेरणा दे। हम तो बस इतना जानते हैं, जब तक आप मेवाड़ के राज सिंहासन पर हैं, मेवाड़ और मेवाड़ की प्रजा हर बाहरी संकट से सुरक्षित है।
चलते हैं। रानी माँ, क्या दाजीराज चले गए दंगल के लिए? हाँ, आपको कोई बात करनी थी आपके दाजीराज से? जी रानी माँ, वो हमारे सभी मित्र चाहते हैं कि हम आपसे और दाजीराज दोनों से लक्ष्मण दंगल की कुश्ती देखने के लिए गुरुवर से आज्ञा दिलवाने के लिए निवेदन करें। रानी माँ, आप हमारी ओर से दाजीराज से कहिए ना। गौर प्रताप, आप जानते हैं ना आपके दाजीराज को, उन्हें ऐसा प्रस्ताव ही अच्छा नहीं लगेगा। जी रानी माँ, हमने तो सोचा था कि बस आपको एक बार बोलकर देखें, पर ठीक है, हम चलते हैं, हमें गुरुकुल के लिए तैयार होना है। शमशेर खान साहब के हुजूर में बशर खान का मेवाड़ से पहला सलाम। आज हम प्रताप को खत्म करने वाले हैं। मेवाड़ के भीतर तक पहुंच बनाने की खातिर मशहूर कुश्ती लक्ष्मण दंगल ने अपना नाम दर्ज करवा दिया है। आज ही मौका देखकर मैं जिस गुरुकुल में शहजादा प्रताप तालीम ले रहा है वहां घुस जाऊंगा। मेरा ख्याल है कि गुरुकुल ही मेवाड़ में वो जगह हो सकती है जहाँ शहजादे प्रताप की हिफाजत में कोई इंतजाम नहीं है। अल्लाह ने चाहा तो आज ही मैं अपने दिए कौल को हकीकत बनाऊंगा। अल्लाह हाफिज। और कितनी देर बाहर खड़े रहे? अब कितनी देर इंतजार करवाओगे भाई? अब क्या करने लगे? बस अल्लाह से अपने मकसद में कामयाबी की दुआ मांग रहा था। अल्लाह तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब करे। भाई हमें तो मेवाड़ नाच से पहले अखाड़े में पहुंचना होगा, वहां के इंतजाम देखने होंगे। अब तुम्हें वक्त लगेगा तो तुम अपने वक्त से आ जाना, लेकिन जल्दी आ जाना, हम तुम्हारा वहां इंतजार करेंगे। खुदा हाफिज। फी अमान अल्लाह। माफ करना दोस्त, हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं था। हे नाग देवता, आज नाग पंचमी के इस शुभ अवसर पर हम आपसे हाथ जोड़कर हमारे अपनों के सुखद और सफल जीवन की कामना करते हैं। महारानी सा, क्या हुआ गिरजा जी? मैं अभी महल की काल कोठरी में पार्वती को उसके घर वालों की कुशलता का संदेश देने गई थी। पार्वती? धीर भाई जी की वो दासी जिसे उस दिन उन्होंने काल कोठरी का दंड सुनाया था। ले जाओ इस मूजोर दासी को और बंद कर दो काल कोठरी में। हाँ पार्वती, क्या हुआ उसे? उसने मुझे बताया कि जिस पात्र में बावजी राज को ठंडाई दी जाने वाली थी उस पात्र पर धीरभाई जी ने काला चिन्ह लगाया था। तो क्या अर्थ निकला इस सूचना से? महारानी सा, महारानी धीरभाई जी ने पार्वती को वो पात्र नष्ट करने के लिए दिया था, पर उसने वो पात्र नष्ट नहीं किया, राजमहल के संग्रह कक्ष में राजहंस के पीछे छुपा कर रख दिया था। जी
इससे सिद्ध क्या होता है? उसने मुझे बताया कि जब वो पात्र सुरक्षित रख रही थी, उसने पावजी राज को दे जाने वाले विष की बूंदे देखी थी। अगर वो पात्र हमें मिल जाए ना, तो धीर भाई जी का खेल समाप्त।